दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए पहली खबर, वाराणसी हावड़ा कोलकाता बोले ट्रेन का सर्वे तेज, बिहार के इन शहरों से होकर गुजरेगी हाई स्पीड रेल। जी हाँ, बिहार के लोगों का बोले ट्रेन का सपना अब जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। दरअसल वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल के लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बिहार सर्वे करने वाले कंपनी झारखण्ड के गिरिडीह जिले में अपना काम कर रही है। गिरिडीह के बगोदर से होकर बुलेट ट्रेन को ले जाने की योजना है। यह रेल लाइन 760 किलोमीटर लंबी होगी, जो बिहार में पटना, झारखंड में धनबाद और बंगाल में वर्धमान होते हुए गुजरेगी। वाराणसी से दिल्ली के बीच हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम पहले ही तेज है। इन दोनों रूटों का काम पूरा होने के बाद दिल्ली से हावड़ा का सफर चंद घंटों में पूरा हो सकेगा। इस रूट का फाइनल अलाइनमेंट अभी तय नहीं हुआ है। जिस रूट के लिए सर्वे किया जा रहा है उसमें बक्सर, आरा, पटना, बिहार शरीफ और नवादा में स्टेशन बनाए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के बाद बिहार में 8067 कार्यपालक सहायकों की होगी नियुक्ति। जी हाँ, पंचायत चुनाव के बाद 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। संविदा आधारित इस नियुक्ति को लेकर पंचायती राज विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। चुनाव संपन्न होने के बाद ही वित्त विभाग और फिर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यपालक सहायकों का चयन किया जाएगा। सभी 8067 ग्राम पंचायतों में दो दो कार्यपालक सहायकों के पद स्थापन को लेकर इसके नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। अभी एक एक कार्यपालक सहायक ग्राम पंचायत में कार्यरत है। पंचायतों में स्थापित RTPS काउंटरों को नियमित रूप से बेहतर रूप से संचालन को लेकर एक एक कार्यपालक की नियुक्ति होनी है। बड़ी खबर, राष्ट्रपति कोविंद बुधवार यानी आज आएंगे पटना, विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल, गुरु महावीर मंदिर में करेंगे दर्शन। जी हां, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार यानी आज दोपहर पटना पहुंचेंगे। वे 22 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक पटना में ही रहेंगे। इस दौरान करीब 46 घंटे के पटना प्रवास के मद्देनजर उनके स्वागत को यादगार बनाने की तैयारी मंगलवार की देर रात तक चलती रही। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद दोपहर 1 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से वे सीधे राजभवन चले जाएंगे। शाम को ही यहीं पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों संग हाई टी की शोभा बढ़ाएंगे। 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को लेकर सुबह 10:50 में विधानसभा परिसर पहुंचेंगे। वे यहां शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास करेंगे और इस परिसर में बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का भी रोपण करेंगे, फिर समारोह को संबोधित करेंगे। वे सदन में विमर्श संसदीय प्रणाली का मूल है विषय पर विधायकों को संबोधित करेंगे। शाम 7:30 से महामहिम राष्ट्रपति के विश्व अध्यक्ष के सरकारी आवास पर रात्रि भोज रखा गया है। इस दौरान बिहार कोकिला शारदा सिन्हा समेत कुल 77 कलाकार राज्य की सांस्कृतिक खूबियों का प्रदर्शन उनके समक्ष करेंगे। 22 को सुबह पटना भ्रमण के बाद राजभवन से पटना एयरपोर्ट के लिए राष्ट्रपति सुबह 11 बजे रवाना होंगे। अगली बड़ी खबर, 21 और 22 अक्टूबर को पटना की बदल जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था, घर से निकलने से पहले देखें रूट। जहां राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। उनकी सुरक्षा और आम लोगों की व्यवस्था को लेकर कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, SSP उपेंद्र कुमार शर्मा और ट्रैफिक SP अमरकेश डी ने नया रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रपति के आगमन पर यही प्लान लागू रहेगा। नए रोड मैप में 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के अवसर पर सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 या फिर कार्यक्रम के खत्म होने तक सिर्फ एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहन, सब वाहन, पास धारक वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि आर ब्लॉक ROB ऊपर से होर्डिंग रोड की ओर वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा।
यहाँ सभी वाहन वीरचंद पटेल पद से होते हुए आयकर गोलंबर से बेली रोड होते हुए पश्चिम की ओर जा सकते हैं। वही आर ब्लॉक नीचे से होर्डिंग रोड में वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह वाहन आर ब्लॉक चौराहा से अटल पथ की ओर जा सकते हैं। मंगल्स रोड से होर्डिंग रोड में किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा। यह सभी वाहन आर ब्लॉक चौराहा की ओर से जा सकते हैं। वही मंगल्स रोड से सप्तमूर्ति गोलंबर में दारोगा सब स्मारक की तरफ वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। भिखारी ठाकुर पुल से होर्डिंग रोड जाने वाले वाहन 15 नंबर पुल ऊपर से गर्दनी बाग मीठापुर सब्जी मंडी की ओर जा सकते हैं। माल रोड में 15 नंबर पुल के नीचे से सचिवालय गेट नंबर 1 की ओर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। 15 नंबर पुल ऊपर से होर्डिंग रोड में वाहनों का परिचालन नहीं होगा। यह वाहन सीधे पूर्व गर्दनीबाग की ओर एवं पश्चिमी चितकोहरा अनिसाबाद की ओर जा सकते हैं। चितकोहरा पुल के नीचे हज भवन रोड होर्डिंग रोड में वाहनों का परिचालन नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए तेजस्वी की तैयारी। कुशेश्वर स्थान में 21 से 23 अक्टूबर तक तेजस्वी करेंगे कैंप। 25 और 27 को हेलीकॉप्टर से करेंगे दौरा। जी हां, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जिन पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं उनका प्रचार अभियान अभी जोर शोर से चल रहा है। स्टार प्रचारकों के जमीन पर उतरने का समय है। पिछले 3-4 दिनों से तेजस्वी यादव तारापुर विधानसभा में ही रुककर चुनाव अभियान चला रहे हैं और बाकी रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। राजद इस बार कांग्रेस से अलग है, इसलिए इस पर भी जीतने का दबाव ज्यादा है। तेजस्वी के नेतृत्व की भी अग्नि परीक्षा होनी है। तेजस्वी यादव दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में 21 से 23 अक्टूबर तक कैंप करेंगे। वे 25 और 27 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से कुशेश्वर स्थान का दौरा कर सभा करेंगे। अगली बड़ी खबर, चौथे चरण का मतदान आज। 53 प्रखंडों में होगी वोटिंग। वोगस वोटिंग रोकने को बायोमेट्रिक जांच होगी। जहां बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के चुनाव को लेकर मतदान बुधवार को होगा। इस चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को लेकर मंगलवार की शाम से ही मतदान कर्मी बूथों की ओर रवाना हुए हैं। इस चरण में 11,318 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इसमें 62,80,960 मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। अगली बड़ी खबर, मंत्री व भाजपा नेता सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी जदयू में शामिल, सीएम नीतीश से की मुलाकात। जी हां, भाजपा नेता और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित चौधरी अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को जदयू में शामिल हुए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने के बाद रोहित चौधरी एक अन्य मार्ग जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि रोहित चौधरी पूर्व मंत्री और तारापुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। तारापुर विधानसभा के उपचुनाव के ठीक पहले उनका जदयू में शामिल होना अहम है। अगली बड़ी खबर, बिहार के नौजवानों को मिलेगी विधानसभा लाइब्रेरी में पढ़ने की सुविधा। नई पीढ़ी जान पाएगी राजनेताओं के अच्छे विचार। जी हां, ऐतिहासिक बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष पर बिहार के नौजवानों व आम लोगों को भी तोहफा मिलेगा। इन्हें यहां की लाइब्रेरी में जाकर जानकारी लेने और ऐतिहासिक तत्वों को पढ़ने का मौका मिलेगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शताब्दी समारोह को लेकर यह फैसला किया गया है कि हम नौजवानों के लिए विधानसभा लाइब्रेरी का द्वार खोलेंगे। तैयारी चल रही है और जल्द ही लाइब्रेरी में अध्ययन की सुविधा आम नौजवानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। अगली बड़ी खबर, उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी। सरकारी बस में बैठकर मुजफ्फरपुर से झारखंड जाना होगा आसान। निजी बस से 15% कम लगेगा किराया। जी हां, उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है, अब सरकारी बस से झारखंड जाना आसान हो जाएगा। साथ ही निजी बस से 15% किराया भी कम लगेगा। उत्तर बिहार के 7 जिलों से इसकी शुरुआत जल्द शुरू होने वाली है। इसमें मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा उप परिवहन आयुक्त को पत्र जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से धनबाद, बोकारो, रांची और टाटा के लिए बसें खुलेगी। इन जिलों के लिए पहले से दर्जनों निजी बसों का परिचालन हो रहा है, लेकिन सरकारी बस का किराया कम होने से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी।
अगली बड़ी खबर, बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बदली, अब 15 दिसंबर को नहीं जनवरी में होगा एग्जाम। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर को नहीं होगी। बिहार पंचायत चुनाव को देखते हुए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीपीएससी की ओर से जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अब परीक्षा 15 जनवरी के बाद ही संभावित है। बड़ी खबर, बिहार के विश्वविद्यालय में छोटे एवं ऑनलाइन कोर्स होंगे शुरू, घर बैठे ही मिल जाएगा सर्टिफिकेट। जी हां, बिहार के विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था होने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को छोटे और ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की तैयारी करने को कहा है। यूजीसी ने भी विश्वविद्यालय को ऐसा निर्देश से पहले ही दे दिया है। निर्देश के मुताबिक सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कोर्स, सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ असिस्टेंट कोर्स 6 माह के लिए होंगे। इसी तरह बीबीए, बीसीए और टूरिज्म आदि कोर्स अब ऑनलाइन पढ़ाई के दायरे में होंगे। साथ ही निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन कोर्स में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल, ऑडियो वीडियो लेक्चर और एक्सपर्ट की सलाह की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मी को मिलेगा दीपावली का तोहफा, एडहॉक बोनस देने का ऐलान। जी हां, दीपावली पर केंद्रीय कर्मी को तोहफा मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने एडहॉक बोनस देने की घोषणा कर दी है। अर्धसैनिक बलों को 30 दिनों का बोनस मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ कुछ कर्मियों को मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मियों को दीपावली के मौके पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस देने की घोषणा कर दी है। ग्रुप सी और बी के नॉन गजेटेड कर्मी जो भी किसी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उनको इनका लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया रुकी, पंचायत चुनाव के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं दी मंजूरी। जी हां, बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया रोक दी गई है। पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के अनुरोध पर अपना फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक रोक दिया जाए। अगली बड़ी खबर, बिहार के कई जिलों में आज भी होगी बारिश और ठंड के गिरने की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, दोहरी चक्रवर्ती दशाओं और कम दबावों के बने केंद्र की वजह से कमोबेश पूरे बिहार में अधिकतर स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। IMD पटना के मुताबिक उत्तरी मध्य बिहार, उत्तर पूर्व बिहार एवं उत्तर पश्चिमी बिहार में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी किया है। बिहार के मौसमी दशाओं में आया यह बदलाव बंगाल की खाड़ी, पूर्वी भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों एवं मध्य प्रदेश में बने चक्रवर्ती दशाओं की वजह से हुआ है। और अंत की बड़ी खबर, CBSE 10वीं और 12वीं के छात्र पहली बार OMR सीट में देंगे परीक्षा। जी हां, CBSE द्वारा Term 1 परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होते ही स्कूलों में तैयारी शुरू कर दी गई है। आगामी 30 नवंबर से 10वीं एवं 1 दिसंबर से 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। एसोसिएशन के कोषा अध्यक्ष AK नाग का कहना है कि टर्म 1 की परीक्षा को लेकर छात्रों ने वस्तुनिष्ठ सवालों का अभ्यास शुरू कर दिया है। 10वीं के छात्र पहली बार OMR सीट पर परीक्षा देंगे। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म कहां और कब हुआ था, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।